गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भुवनेश बाल विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम आरोह पाठ्य पुस्तक के 8वें प्रकरण में गोस्वामी तुलसीदास की कुछ रचनाओं को पढ़ेंगे, जिसका पहला भाग है कवितावली के कुछ छंद, और उसके बाद पढ़ेंगे हम श्री रामचरितमानस का एक प्रसंग जिसमें लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप बताया गया है। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी अपने जीवन में काव्य का लिखना प्रारंभ करते हैं और क्या क्या स्थितियां इनके जीवन में होती है। सबसे पहले देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 में और निधन 1623 में हुआ, और इन्होंने किस तरह से एक रामचरितमानस की रचना करके और यश प्राप्त किया। इसी में हम सबसे पहले ये समझते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के बहुत बड़े कवि के रूप में उभर करके सामने आए, और जहाँ कवितावली में इन्होंने इस कलयुग में होने वाले प्रभाव और भक्तों की स्थिति के बारे में बताया है। और शुरुआत करते हैं कि ये जो उत्तर कांड से जो कवितावली का भाग लिया गया है, इसमें इन्होंने क्या क्या बताया कि किस तरह से लोग अपने पेट की आग बुझाने के लिए तरह तरह के बहुत सारे काम कर रहे हैं, और दूसरे पद में बताया कि बेरोजगारी किस तरह से बढ़ रही है। तो उस जमाने में लिखी हुई ये रचना आज के युग में भी प्रासंगिकता रखती है। और करते हैं शुरू कवितावली के कुछ छंद। किस भी किसान कुल बनिक भिकारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चेट की पेट को पड़त गुन गड़त चढ़त गिरी अटत गहन गन अहन अखेट की ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की तुलसी बुझाए एक राम घन श्याम हीते आगी बड़ी वागीते बड़ी है आग पेट की। तो बच्चों, एक एक शब्द समझेंगे उसके बाद ही आप इसका अर्थ कर पाओगे। किस भी किसान कुल बनिक भिकारी भाट, यहाँ किस भी, कुछ लोग व्यापारी का कार्य करते हैं, कुछ किसान का कार्य कर रहे हैं, कुछ बणिये हैं ये भी व्यापारी है, कुछ भीख मांग करके जीवन यापन कर रहे हैं, कुछ भाट है चारण है विरदावली देने का काम करते हैं, कोई चाकरी कर रहा है, कोई चपल नट है बाजीगरी का काम करता है, कोई चोरी का काम करता है, कोई यहाँ चर शब्द का चार बनाया हुआ है, कोई दूत का काम करता है, और यहाँ चेटकी का तात्पर्य पुनः बाजीगर से है। कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति तरह तरह के काम कर रहा है। यहाँ दिया है पेट को पढ़त, अर्थात पेट के लिए पढ़ रहे हैं, कुछ लोग पेट के लिए विद्या अध्ययन कर रहे हैं आजीविका चलाने के लिए, और गुण गड़त कुछ लोग बहुत सारे काम सीख रहे हैं। चढ़त गिरी, यहाँ तक कि पर्वतों तक पर चढ़ जाते हैं, इसलिए क्योंकि पेट की आग शांत नहीं होती, अर्थात लोग तरह तरह के काम कर रहे हैं इस पेट की आग को शांत करने के लिए। अटत गहन गन अहन अखेट की, और घने जंगल में शिकार करने के लिए घूमते फिरते हैं। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, यहाँ तक कि ऊंचे नीचे कर्म धर्म और अधर्म तक करने को तैयार हो जाते हैं। ये स्थितियाँ इस कलयुग में किस तरह से पेट को भरने के लिए लोग तरह तरह के काम कर रहे हैं, और इसकी भी चरम सीमा इसमें बताई कि पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, यहाँ तक कि पेट की अग्नि को शांत करने के लिए अपने बेटे और बेटी तक को बेच देते हैं, उनको भी किसी दूसरे के यहाँ कार्य करने के लिए रख देते हैं, मजदूरी के लिए रख देते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने इस पेट की आग को शांत करने का एक ही उपाय बताया, क्योंकि वह राम के भक्त थे, इसलिए उन्होंने हर पीड़ा का एक ही समाधान बताया, राम भक्ति। उन्होंने कहा तुलसी बुझाए एक राम घन श्याम ही थे आग बड़ी वागी है बड़ी है आग पेट की, अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं एक राम रूपी घनश्याम, राम घनश्याम में रूपक अलंकार है, जब
किसी वस्तु पर किसी दूसरे प्रसिद्ध उपमान का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, इस राम रूपी घनश्याम, अर्थात ये राम रूपी घनश्याम जो है यही पेट की आग को बुझा सकता है। जैसे आग बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, उसी तरह इस पेट की आग को बुझाने के लिए राम की कृपा की आवश्यकता है। और नीचे दिया है कि आग ही बड़ी वागी है, बड़ी वागी ते बड़ी है आग पेट की। ये बड़ी वागी मतलब बड़वाग्नि, बड़वाग्नि कहते हैं समुद्र में लगी हुई आग, अर्थात इस पेट की आग को किसके तुल्य बताया है, किससे भी बड़ी बताया है कि यह समुद्र में लगने वाली आग से भी पेट की आग बड़ी होती है। अर्थात भूख जो है उसके लिए लोग क्या क्या नहीं करते, पेट की आग को शांत करने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, इस बारे में वर्णन किया गया है। तो अब ये पहला छंद था, इसका दूसरा छंद हम पढ़ेंगे, उसमें बताया है। और आप ये भी समझना है आपको कि किस तरह से छंदों को उच्चारित किया जाता है कि खेती न किसान को भिकारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहे एक एक अन सो कहाँ जाई का करी, वेदहु पुराण कहीं लोकहु विलोकियत, साकरे सब पे राम राव रे कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देख तुलसी आहा करी। यहाँ पर इसमें दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु दश वर्ण का बार बार प्रयोग होने के कारण अनुप्रास अलंकार और अनुप्रास में भी वृत्यनुप्रास एक ही वर्ण दो से अधिक बार आ रहा है, तो बहुत सुंदर अलंकारिक प्रयोग है। शुरू करते हैं, खेती न किसान को भिकारी को न भीख बली। किस तरह की स्थितियां इस युग में पैदा हो रही है कि किसान के पास खेती नहीं है, बड़े बड़े जमींदारों ने उन पर कब्जा कर लिया है, किसान बंधुआ मजदूर बन कर के रह गया है, और जब चारों तरफ गरीबी होगी तो भिकारी को न भीख बली, बली का मतलब यहाँ दक्षिणा में, भिकारी को दक्षिणा के रूप में भीख नहीं मिल पा रही, और बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, न बणिये का अर्थात व्यापारी का व्यापार चल रहा और न चाकर को चाकरी का काम मिल रहा, न किसी तरह की नौकरी है न धंधा है, बहुत बड़ी समस्या है चारों तरफ। और जीविका विहीन अर्थात अगर उर्दू में कहें तो बेरोजगार, जीविका विहीन बिना रोजगार के लोग, सिद्धमान शब्द का अर्थ है दुखी है, सोच बस ये सोच सोच करके दुखी है। और नीचे की पंक्ति में बताया गया है, कहें एक एकन सो कहाँ जाए का करी, एक व्यक्ति दूसरे से कह रहा है कि कहाँ जाए और क्या करें, कोई समाधान नहीं है। तो अंतिम चार लाइनों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने समाधान बताया है कि वेदहु पुराण कहीं लोकहु विलोकियत, वेदों और पुराणों में कहा है और इस संसार में देखा गया है, लोकहु अर्थात संसार में, विलोकियत अर्थात देखा गया है, अवलोकन करने पर पता चला है, क्या पता चला है कि सांक रे सबे पे राम राव रे कृपा करी, सांक रे मतलब संकट में, सबे पे अर्थात सभी पर, राव रे मतलब आपने कृपा की है, हे प्रभु जब जब भी पृथ्वी पर संकट आया है तब तब आपने कृपा की है। अब आगे दिया है कि दारिद दसानन अर्थात यहाँ पर फिर एक अलंकार का प्रयोग है, रूपक अलंकार, जिसमें उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है, दरिद्रता को रावण शब्द से उपमित किया है कि जैसे आपने उस युग में रावण को मारा उसी प्रकार से इस युग में दरिद्रता रूपी रावण ने दबाई अर्थात दबा रखी है, दुनी मतलब दुनिया, हे प्रभु दरिद्रता रूपी रावण ने दुनिया को दबा रखा है, दुरित दहन अर्थात पाप की आग को देखी यानी देख करके, दुरित का मतलब होता है पाप, पाप रूपी आग को देख करके तुलसीदास जी हाहाकार कर रहे हैं, अर्थात इस दरिद्रता रूपी रावण से बचाने के लिए है प्रभु आपकी कृपा की आवश्यकता है। अगली पंक्तियां है जिसमें उन्होंने बताया, एक बार क्या होता है उस युग में भक्ति काल के कई समय इस तरह के भी थे कि उनमें लोगों को ये बताया जाता है
कि तुम नीची जाति से है, तुम ऊंची जाति से हो, इस तरह की बहुत सारी बातें थी। तुलसीदास के बारे में भी बताया जाता था कि ये किस जाति का है कोई पता नहीं, कोई क्या कहता था कोई क्या कहता था। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मुझसे क्या कहता है। इन्होंने अंत में दिया कि तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाके रुचे सो कहे कछुओ। तो शुरू करते हैं इस पद को। दूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जो लहा कहो कोऊ, काहू की बेटी सो बेटा न व्याहब काहू की जाति बिगार न सोऊ। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछुओहू। मांगी के खेबो मसीत को सोईबो, लेबो को एक न देबो को दो। उन्होंने ये बताया कि चाहे कोई मुझसे धूत कहे, धूर्त कहे, चालाक कहे, अवधूत कहे, अवधूत मतलब चाहे कोई सन्यासी कहे, अवधूत का तद्भव रूप होता है ओघड़। ओघड़ जिसे हम कहते हैं एक ऐसा सन्यासी जो निर्वस्त्र रहता है और केवल ईश्वर में ही लीन रहता है, चाहे कोई राजपूत कहे या जुलाहा कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मुझसे कुछ भी कहे। काहू की बेटी सो बेटा न व्याहब, अर्थात मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना। काहू की जाति बिगार न सो, जिससे मैं किसी की जाति बिगाड़ दूं, अर्थात कोई कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अंत में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि तुलसी सर नाम गुलाम है राम को। गुलाम कहाँ है, हम साधारण सी भक्ति करके अपने आप को भक्त कहने लग जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जैसा व्यक्तित्व कहता है कि तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, मैं तो प्रसिद्ध गुलाम हूँ राम का, सर नाम मतलब प्रसिद्ध। जाको रुचे सो कहे कछु, जिसको जो रुचता है अर्थात जिसको जो अच्छा लगता है वो कुछ और कह दो, मेरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और अंत में कहा कि मांगी के खेबो मसीत को सोईबो, लेबो को एक न देबो को दो, अर्थात मांग कर खा लेता हूँ और मस्जिद में सो जाता हूँ। ये अकबर के समकालीन कवि थे। उस युग में इस तरह की जो परंपराएं जो आज है, सांप्रदायिक सद्भाव चरम पर था, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं मांग के खा लेता हूँ, किसी मस्जिद में जाके सो जाता हूँ, लेबो को एक न देबो को दो। एक लोकोक्ति का प्रयोग किया है कि न तो लेना एक न देना दो, अर्थात मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। अब हम आगे के भाग में रामचरितमानस के उस प्रसंग को पढ़ेंगे जो बहुत मार्मिक प्रसंग है। लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं और राम किस तरह से एक साधारण मानव की तरह विलाप करते हैं, इसको पढ़ने के लिए हम देखेंगे इसका अगला भाग। तब तक के लिए नमस्कार।